क्या होगा अगर आपका खुशनुमा पल आपके लिए मौत का पैगाम बन जाए। ये कहानी भी कुछ इस तरह की है, जहाँ पर कुछ दोस्त पार्टी बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका खुशनुमा पल उनके लिए मौत का पैगाम बन जाता है। मूवी के शुरुआत में हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि समंदर के किनारे पार्टी कर रहे थे। मीच सबका मोबाइल कलेक्ट करके एक थैली में डाल देता है, जिससे कोई भी यहाँ की विजुअल्स को इंटरनेट पर पोस्ट ना कर सके। तभी उन्हें वहाँ पर एक अजीब सी चीज मिलती है। वो सब मिलकर उस चीज को तोड़ देते हैं। वो सब रात भर वहाँ पर रसे करते हैं और ढेर सारी मस्तियां भी करते हैं। अगली सुबह हम केली को देखते हैं, जो अभी अभी सोकर उठी है। वो बाहर आकर देखती है कि बस कुछ ही लोग वहाँ पर थे और बाकी सब लोग गायब हो चुके थे। और तभी कार में सोए हुए बाकी सब लोगों की भी नींद खुल जाती है। वहीं पर उनके और एक दोस्त मार्सा बिना कपड़ों के टेबल पर सो रही थी। उसकी नींद टूटने के बाद ही उसे उल्टियां होने लगती है। तभी केली की नजर एक चिड़िया पर पड़ती है। वो चिड़िया रेत के ऊपर आकर बैठती है और देखते ही देखते उसे रेत अपने अंदर समा लेती है। ये देखकर केली बहुत ही घबरा जाती है और वो मार्सा को टेबल से नीचे उतरने के लिए मना करती है, लेकिन मार्सा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने पैर नीचे रेत पर रख लेती है। उसके पैर रेत पर फंस जाते हैं। वो उसे निकालने की काफी कोशिश करती है, जिस वजह से उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी भैंस रोनी के मना करने के बावजूद उसे बचाने के लिए कार से नीचे उतर जाता है, लेकिन उसका पैर भी रेत में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जॉन उसको बचाने के लिए कार स्टार्ट करता है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होता। इस दौरान मीच एक रस्सी फेंकता है, जिसे पकड़कर वो लोग बच सकते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भैंस को वो रेत अपनी निवाला बना रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे करके गल रहा था। वो चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था, लेकिन बाकी सब उसका कोई भी मदद नहीं कर पा रहे थे। और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत में समा जाता है। वहां पर मौजूद किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है। अब तक बाकी सब लोग डर चुके थे, लेकिन मीच सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भले ही भैंस यहाँ पर मर चुका है, लेकिन वो सब यहाँ से ठीक ठाक बचकर निकल जाएंगे। इसके बाद जॉन फिर से अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। फिर केली अपने हाथ को रेत के ऊपर रखती है, जिससे रेत के अंदर से एक अजीब सी हलचल देखने को मिलती है। फिर हम उन सब के एक और दोस्त गिलबर्ट को देखते हैं, जो कि एक टीन ड्रम में फंसा हुआ था। वो उठने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ताकि बाकी लोग उसे बाहर निकलने में मदद कर सके, लेकिन वो लोग उसे वहां से जरा भी हिलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि इस रेत में कुछ है, अगर तुम्हारा बॉडी रेत को टच करता है तो तुम मर जाओगी। लेकिन वो उन सब की बातों पर यकीन नहीं करता। वो समझ रहा था कि वो सब लोग उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन मीच उसे भरोसा दिलाता है कि 2 घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है, इसलिए उसे सिर्फ थोड़ी देर ही इंतजार करना है। इस बार वो मान जाता है और वहीं टीन पर पड़ा रहता है। जब केली उसे पूछती कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो वो बताता है कि ऐसा करने से उसके पास एक उम्मीद होगी और वो ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएगा। बिना किसी उम्मीद के इतने बड़े आदमी का उस केन में टिके रहना नामुमकिन होगा। इसके बाद केली कहती कि कल हम सब इसी रेत पर पार्टी कर रहे थे, तो कल सब कुछ ठीक था, लेकिन आज ये रेत कैसे बदल गए। वो सब लोग नोटिस करते हैं कि पार्टी में मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो लोग भी इसलिए बच गए थे क्योंकि वो रेत के कांटेक्ट में नहीं आए थे। दूसरी तरफ गिलबर्ट को बहुत ही पेन हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी जॉन उसे समझाता है और बॉडी पर लगाने के लिए सनस्क्रीन देता है, जिससे कि उसे धूप से कुछ राहत मिल सके। इस दौरान वो सब उस अजीब सी चीज को देखते हैं जो उन्हें रात को मिला था। वो 2 टुकड़ों में बट चुका था, जिससे वो लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि वो एक अंडा था, और वो लोग कंफर्म हो जाते हैं कि उस अंडे में से कोई मॉन्स्टर निकला है और वो मॉन्स्टर ही रेत के कॉन्टेक्ट में आने वाले लोगों को खा रहा है। उसके बाद केली मॉन्स्टर की साइज जानने के लिए हॉट डॉग फेंक कर देखती है और उन्हें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर का आकार बहुत बड़ा है और वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। जॉन अब कार से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन चेंटा उसे बाहर जाने से मना करती है, पर रोनी उसे समझाती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि बाकी लोग जो गायब हुए हैं उन्हें ढूंढने के लिए भी कोई नहीं आया है। इसके बाद जॉन अब आगे बढ़ता है और वो वाटर सर्फिंग बोर्ड के जरिए रेत में सेफली चल पा रहा था, लेकिन जब वो टेबल तक पहुंचता है तो उसका सर्फिंग बोर्ड खिसकने लगता है। हालांकि जॉन खुद को संभालने की काफी कोशिश करता है, इसके बावजूद रेत में उस दानव की कुछ कोशिकाएं निकलती है और उसके पेट पर हमला कर देती है, जिस वजह से वो घायल भी हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और टेबल पर चढ़ जाता है। तभी उसकी नजर उसके पेट पर पड़ती है। वो देख पाता है कि उसके पेट में बहुत सारे घाव बन चुके हैं, जिसे देखकर बाकी सब डर जाते हैं, लेकिन वो दोबारा उठकर बैग चेक करने लगता है और उसे उस बैग में से एक केला मिलता है। वो उस केले को
खाने लगता है, लेकिन उसे बहुत जोर से उल्टी आने लगती है और तभी सबकी नजर उसके पेट पर पड़ती है जो पूरी तरह से गल रहा होता है। अब उसके घाव गहरे होने लगे थे जिसे देखकर वो भी डर जाता है, पर केली उसका मनोबल बढ़ाती है और बैग में रखे खाने के सामान को सबको देने के लिए कहती है। वो एक एक करके सबको कोल्ड ड्रिंक्स देता है। कोल्ड ड्रिंक्स देते टाइम उसके बॉडी पार्ट स्ट्रेच होने लगते हैं और प्रेशर की वजह से उसके पेट से ब्लीडिंग होने लगती है। वो दर्द से कर्रा उठता है और वही उस टेबल पर लेट जाता है। इस दौरान वो केली को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो केली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो केली से अपने प्यार की इजहार भी करता है, जिसे सुनकर केली बहुत जोर से रोने लगती है। इस बीच सबको अपनी फोन की याद आता है जो कि कार की डिक्की में था। इसे निकालने के लिए इनमें से किसी को नीचे जाना पड़ेगा। रोनी डिक्की को खोलने की कोशिश करती है पर वो नाकामयाब रहती है। फिर वो चांटा की मदद से चाबी लेकर डिक्की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी टांगों की वजह से डिक्की पूरी तरह से खुल नहीं पाती, जिससे चांटा को लगता है कि रोनी डिक्की खोल नहीं पाएगी। और रोनी भी कहती है कि मुझे इस काम के लिए किसी की मदद चाहिए, क्योंकि वो वहां पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। चांटा एक ब्लैंकेट के जरिए डिक्की को खोलने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वो इस काम में नाकामयाब रहती है। अब इसके बाद केली एक मछली पकड़ने वाली रॉड की मदद से डिक्की को खोलने के लिए कहती है और इस बार रोनी डिक्की खुलने में सफल हो जाती है। इस दौरान वहां पर सी पेट्रोलिंग करने के लिए एक ऑफिसर आता है, जिसके गाड़ी की आवाज की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है, जिससे उसकी उंगलियां गाड़ी की डिक्की में दब जाती है और वो दर्द के मारे पूरी तरह से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ बाकी सब लोग पेट्रोलिंग ऑफिसर को गाड़ी से उतरने के लिए मना करते हैं। वो उसे सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता और वो समझता है कि इन लोगों ने नशे कर रखे हैं। उन लोगों की मना करने के बावजूद वो गाड़ी से बाहर निकल आता है और रेत में चलने लगता है, जिसे देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो रेतदानव ऑफिसर का कुछ नुकसान नहीं कर पा रहा था। अब ऑफिसर जॉन के पास जाता है। वो उसके पेट की हालत देखकर अजीब फील करता है और उसके बाद वो गिलबर्ट के पास भी जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिलबर्ट को बाहर निकालने में नाकामयाब होता है। जब वो रोनी की उंगली डिक्की से बाहर निकाल रहा था, तब वो बाकी सब पर गुस्सा होता है कि कोई इसकी मदद क्यों नहीं करता, जिससे केली उस पर काफी गुस्सा हो जाती है। तब ऑफिसर रोनी को छोड़कर केली के पास पहुंचता है, जहां पर केली उसे बताती है कि उसके दो दोस्त पहले ही मर चुके हैं। इसके बाद ऑफिसर उन्हें उन दो लोगों की डेड बॉडी के बारे में पूछता है। तब केली उसे बताती है कि उस रेत दानव ने उनकी डेड बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। ये सुनकर ऑफिसर काफी गुस्सा होता है और केली मिच को नीचे बुलाता है, लेकिन केली उसे बताती है कि उनका नीचे उतरना सेफ नहीं है। पर ऑफिसर उनकी बातों को नहीं मानता और जब वो उन दोनों को नीचे बुलाने के लिए अपना गन निकालता है, उसी वक्त ऑफिसर का चाबी रेत में गिर जाता है। केली ऑफिसर को चाबी उठाने के लिए मना करती है, पर ऑफिसर चाबी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। इससे पहले कि वो अपनी चाबी को उठा पाता, उसका हाथ रेत में फंस जाता है और ऑफिसर भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसी टाइम केली ऑफिसर को पेपर स्प्रे देकर रेत पर स्प्रे करने के लिए कहती है। ऑफिसर ठीक वैसा ही करता है, लेकिन इसके बावजूद उसका एक हाथ रेत के अंदर अलग हो जाता है, जिसे देखकर ऑफिसर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है। तभी केली उसके पास आकर वो पेपर स्प्रे उठा लेती है और वो ऑफिसर देखते ही देखते रेत में समा जाता है। इसके बाद मिच कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए एक टावल चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने नोटिस किया था कि ऑफिसर अपने जूतों की वजह से रेत पर सेफली चल पा रहा था। अब इसके बाद वो कार से टावल लेने की कोशिश करता है और इसी दौरान रेलिंग टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही रेत में से काफी सारी टेंटिकल यानी कि कोशिकाएं निकलती है और वो टेंटिकल उसकी बॉडी की खून को पूरी तरह से चूसने लगती है और देखते ही देखते उसका पूरा बॉडी फटकर रेत में समा जाता है। इसको देखने के बाद सब लोग काफी दुखी हो जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत नहीं हारती और चांटा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। इसके बाद उसे एक और रेलिंग देती है और खुद भी वहां से कार में कूद जाती है। फिर दोनों मिलकर रोनी की उंगली को डिक्की से बाहर निकालने में कोशिश करते हैं और रोनी की उंगलियों को डिक्की से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं। हालांकि उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रहा था, इसलिए केली उसके हाथ पर एक टेबल बांध देती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। दूसरी तरफ गिलबर्ट की हालत बहुत खराब हो रहा था। केन में फंसे होने की वजह से उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था, जिससे रेत में मौजूद टेंटिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इधर केली रेलिंग्स को जॉन तक पहुंचने के लिए रेत में डालती है और उसकी मदद से चांटा जॉन तक पहुंच जाती है। अब केली रोनी को जॉन के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन रोनी उसे बताती है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है और वो खून रेत में मौजूद टेंटिकल्स को अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए तुम पहले जाओ। इसके बाद केली जॉन के पास पहुंच जाती है और जब रोनी जॉन तक पहुंचने की कोशिश करती है तो थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है
और वो रेत में गिर जाती है और देखते ही देखते वो भी बहुत ही बुरी मौत मारी जाती है। इस बीच गिल्बर्ट के कैन के चारों तरफ बहुत सारे टेंटिकल निकल चुके हैं क्योंकि गिल्बर्ट का खून टपक रहा था। दूसरी तरफ चांटा अपने पैरों में डाबल लपेट कर ऑफिसर की गाड़ी तक पहुँच जाती है और इस बात पर वो बहुत खुश होती है। लेकिन इसी बीच गिल्बर्ट का कैन रेत से निकलती टेंटिकल की वजह से खिसक रहा था और जब उसका कैन वापस से स्टेबल होता है तो उसके अंदर से उस दानव की बहुत बड़े बड़े कोशिकाएं निकलती है और उसे अंदर खींच लेती है और वो भी बाकियों की तरह बहुत ही दर्दनाक मौत पाता है। तब तक बाकियों को पता चल चुका है कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे विशाल और शक्तिशाली बन रहा है। तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर लेता है जिससे चांटा फिसल कर गाड़ी पर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर केली बहुत ही परेशान हो जाती है। पर जब रात होती है तो चांटा को होश आ जाता है और उन्होंने एक एयर बैग टब की मदद से जॉन को गाड़ी के अंदर बिठा लेती है। लेकिन जब केली कार के अंदर जाती है तो उसी टाइम वो दानव उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद केली खुद को बचाने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे गैसोलीन के एक ऑयल कैन दिखता है। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ती है वो मॉन्स्टर उससे वो कैन छीन लेता है। वो एक दूसरी कैन उठाकर गैसोलीन को गाड़ी की चारों तरफ छिड़कने लगती है और फिर लाइटर की मदद से वहाँ आग लगा देती है। ऑयल की वजह से उस मॉन्स्टर के शरीर पर भी आग लग जाती है जिससे वो बुरी तरह से जलने लगता है। लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर जाती है तो वो मॉन्स्टर फिर से गाड़ी की डोर को खोलने की कोशिश करता है। इसके बावजूद केली डोर को बंद कर लेती है। इसके बाद मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है और वो लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है। केली गाड़ी से बाहर निकलने के लिए डर रही थी लेकिन जब वो बाहर रेत में अपना पांव रखती है तो उसे महसूस होता है कि वो अबू दानव मर चुका है। इसके बाद वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलती है और वहां से चली जाती है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि मर चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दानव समंदर के नीचे आ चुका था और वो शहर की तरफ बढ़ रहा था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।